नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश, आप देख रहे हैं अपनी वार्ता। सावन का मास चला, यहाँ पर अनेक प्रकार के कांवड़ यात्री आते हैं, हरिद्वार से गंगा जल ले जाते हैं। इसी बीच में हमने अनेक प्रकार की कांवड़ों को दर्शन कराया, अनेक प्रकार के कांवड़ियों को दर्शन कराया, लेकिन आज जिनका मैं दर्शन कराया तो एक बाइक पर चार लोग, पूरा छोटा परिवार है जो एक ही अपनी बाइक को उन्होंने कांवड़ बना लिया, वो आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार भैया, क्या नाम आपका? विपिन है। विपिन जी, कहाँ से आप? शामली से। शामली उत्तर प्रदेश से। तो ये जो बाइक का प्लान, मतलब ये कब से मन में आया कि बाइक से कांवड़ ले? एक साल से सोच रखा था। हाँ जी, बाइक पे ही कांवड़ सजानी है। अच्छा, इससे पहले आपने सोच रखा था? इससे पहले कहीं देखा था क्या? नहीं, इससे पहले एक कांवड़ और लाया था मैं, ऐसे ही सजा के। अच्छा, ये आपकी दूसरी कांवड़ है। इससे कांवड़ लेकर आप कब से आते हैं? मैं कांवड़ तो जी आप 15 साल का आने चालू हो गया था। अच्छा, जब से आप 15 वर्ष के थे तभी से कांवड़ ले? लेकिन दोस्तों, जब से पहली कांवड़ 15 वर्ष का लेके चला था पैदल की यात्रा। ये कांवड़ यात्रा पैदल से शुरू हुई थी, आज बाइक से चल रही है। 15 वर्ष के थे उस समय उन्होंने पहली कांवड़ लेकर आए थे, लेकिन इसके बाद में धीरे धीरे समय बीतता गया, परिवार बढ़ता गया, तो परिवार के साथ साथ उन्होंने सोचा कि हम पूरे परिवार, तो ये पूरा परिवार को दिखाने के लिए आपने इसमें बाइक से किया? हाँ, ये ऐसे मैंने किया मेरा परिवार दिखाने के लिए। अच्छा, हाँ, कि मतलब अगर हम ही अकेले कांवड़ ले जाएँ, पूरे परिवार के साथ भोलेनाथ का दर्शन हो, इसीलिए। आपके दो बच्चे हैं? दो बच्चे हैं, एक लड़की है, एक लड़का है। बच्चे की कितनी उम्र होगी? इसकी 2 साल है, इसके 5 साल है। बच्चे का क्या नाम है? इसकी अवनी है, अवनी। इसका अरब। अवनी और अरब दो बच्चे हैं, एक की उम्र है 2 साल और एक की उम्र है 5 साल, साथ में इनकी वाइफ। आपका क्या नाम है? निशा। आपने कब सोचा कि मुझे कांवड़ ले जाना चाहिए? जब से शादी हुई, जब से ही बस सब ले जाने लगे। अच्छा, मतलब भाई साथ आ रहे थे तो आपने बोला हम भी चलेंगे कांवड़? आप लेकर आए कि उन्होंने बोला था मैं भी चलूंगा कांवड़ ले? मैं ही लेके आया। अच्छा, हाँ, मतलब ऐसा होता है, कई लोग होते हैं कि हम जा रहे हैं वाइफ ने, लेकिन आपने? मैं खुद लेके आया अपने बच्चों को। आपने अपने आप, मतलब ये दोस्तों, ये सबसे प्यारी बात है कि आज के ज़माने में लोग अपने वाइफ को बाहर ले जाना पसंद नहीं करते। इन्होंने बोला कि तीर्थ यात्रा साथ में करेंगे, बीबी बच्चों के साथ, हमारी इतने रिसोर्स नहीं, फोर व्हीलर रहना चाहिए, तो हम बाइक को अपने कांवड़ बनाया और बड़ी मस्त इन्होंने कांवड़ सजा रखी। साथ में डमरू हैं, आगे नागराज भगवान है, पीछे दो दो तिरंगे लगा रखे हैं। ये तिरंगा आपने क्या सोच कर लगाया? ये तिरंगा हमारे भारत की शान है। अच्छा जी, ऐसे लगाया तो मतलब तिरंगे को भी नहीं साथ छोड़ेंगे हम, क्योंकि हम तिरंगे से हम हैं। तिरंगा है तो हम हैं, नहीं हम भी नहीं हैं। अच्छा जी, ये सबसे बड़ी बात कि तिरंगा है तो हम हैं, अन्यथा हम भी नहीं है। तो इन्होंने पीछे मस्त सजा रखा है, तिरंगे वगैरह लगा रखा है, बाँस वाँस से पूरा और मस्त। कितना टाइम लगता है आपको आने में? हमें आने में बाइक पे तो 1 दिन लगता है। एक दिन जाने में लग जाएगा। ये आपकी जल कब चढ़ेगा? ये जल हमारा चढ़ेगा 26 तारीख में। ये कहाँ पर जल चढ़ाएंगे? पूरे महादेव। अच्छा, पूरा महादेव मेरठ में। तो ये आपका घर किस साइड पड़ता है? हमारा पड़ता है शामली। हाँ, शामली से पूरा कितनी दूर है? पूरा शामली से 40-45 किलोमीटर। तो पूरा परिवार जल चढ़ाएगा? हाँ। अरे वाह, क्या बात है। तुम्हें बेटा कोई परेशानी नहीं हुई तुम्हें? क्या नाम है तुम्हारा? आरव। आने में परेशानी नहीं हुई? अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? अरे वाह, मतलब सबसे बड़ा हंसता खेलता परिवार है, छोटा परिवार है, सुखी परिवार है, जहाँ प्लान के अगर कांवड़ लेने भी चले तो। बहुत बहुत धन्यवाद इसी प्रकार अनेक वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जयप्रकाश, कैमरा दीपक, बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।